दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल टेक जानो सीखो पर। आज के इस वीडियो में आपसे बातें करेंगे कि किस तरीके से दोस्तों यदि कोई QR कोड है WhatsApp वाली तो इसे हम स्कैन कैसे करते हैं, स्कैन करके कैसे नंबर निकालते हैं, सेव करते हैं, वही आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। फिर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कैसे कैसे क्या करना है। अपने मोबाइल फ़ोन में ना सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को ओपन करना है। WhatsApp को जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने वाला पेज देखने को मिलता है। अब ऊपर के साइड यहाँ पे कोने पर 3 डॉट है, इस 3 डॉट पे क्लिक करिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक सेक्शन दिखेगा सेटिंग का, तो सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर एक QR का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, तो इस QR पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, जो QR है। और इसके बाद यहीं पर बगल में आएगा एक स्कैन कोड का ऑप्शन, तो आपको स्कैन कोड पर क्लिक करना है और जो आपका एक कोड है ना इसे सामने लाइए, ठीक है, और स्कैन कर लीजिए। देखिए स्कैन हो रहा है, हो भी गया और डायरेक्टली आपके सामने एक चैट खुल जाएगी। इस चैट में आप जो चाहे ना मैसेज वगैरह इन्हें डाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।